हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सरेश कुमार यादव, आप लोगों का फिर से मैं आईनी की क्लिवरिया आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ से तीसरा लेक्चर होगा ये आपका। पहले लेक्चर में हम लोगों ने वी के सीट का डिसोसिएशन किया था ओनली, उसमें अल्फा पीएच वैल्यू निकाला। दूसरे लेक्चर में हमने वी के बेस का डिसोसिएशन, अभी जो तीसरा लेक्चर होने वाला है, तीसरे लेक्चर के अंदर हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्सेप्ट, समझना बहुत ज़रूरी है। तो कॉमन आयन इफेक्ट से क्या होगा, एक तो पहले हम ये देखेंगे इसके अंदर कि कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है। दूसरी बात ये देखेंगे कि ये अगर जो कम करता है, लोग कहते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कम कर देता है, तो कितना कम कर रहा है, मतलब इसके एक्शन पे बात करेंगे। फिर उसके बाद में कहीं कहीं वाटर कॉमन आयन इफेक्ट लगाता है, तो कॉमन आयन इफेक्ट इन वाटर भी चेक करेंगे और साइमल्टेनियसली भी कॉमन आयन इफेक्ट देखेंगे। तो दो तीन तरीके के कॉमन आयन हम चेक करने वाले हैं और आपके एग्जाम में इससे ये क्वेश्चन आता है, बड़ा बेसिक से सवाल रहता है और आप उसको तुरंत ही टिक करके चले आओगे अगर ये दो लेक्चर पढ़ लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट। अब इसको अच्छे से समझना, डेरिवेशन टाइप का तो ऐसा कुछ लिखवाना होता नहीं है इसमें, इसको समझने की कोशिश करना। मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, मान लीजिए कि कोई आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और आपको पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट धीरे धीरे टूटते हैं, बहुत कम टूटते हैं, इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है। तो ऐसा वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसका कुछ न कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, मान लीजिए कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर आप ऐड कर रहे हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपका क्या हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, और ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए जो इसके एक आयन और इसके एक आयन क्या हो, कॉमन हो आपस में, इनका आयन और इनका आयन क्या हो, एटलीस्ट कॉमन हो एक, तो एक आयन क्या हो, ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसका एक आयन कॉमन हो, कॉमन हो, तो वो क्या करेगा, इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को और कम कर देगा, इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को और कम कर देगा। आप इसको अच्छे तरीके से समझिए भाई, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए कि ऐसा कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर हम कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं, जिसका एक आयन क्या हो, कॉमन हो इससे, तो ये क्या करेगा, इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या कर देगा, कम कर देगा, इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कम कर देगा। ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसका एक आयन कॉमन हो, ये क्या करेगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अल्फा को कम कर देगा। अल्फा का मतलब समझ रहे हो आप, अल्फा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसको क्या कर रहा है, ये कम कर दे रहा है। तो आपको ये पूरा ओवरऑल ये बात तो समझ में आ गई कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जिसका एक आयन कॉमन होगा, और वो आयन क्या करेगा, उस पर कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा और उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कम कर देगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कम कर देगा। अब आगे बढ़ाता हूं मैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया एस्टिक एसिड, क्या लिया, एस्टिक एसिड, ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और इसको मैंने क्या किया, ब्रेक किया, CH3 माइनस प्लस एच प्लस, ठीक है, ये मैंने इसको डिसोसिएट कर दिया। अब हमने क्या बोला इसमें कि आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाओ जिसका एक आयन कॉमन हो, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए HCl मिला दिया, क्या मिला दिया,
HCl इसके अंदर ऐड कर दिया। तो HCl में यहाँ पे देखिए H प्लस है और यहाँ पे भी क्या है H प्लस, तो एक आयन भी क्या हो गए इनके कॉमन हो गए। तो अभी क्या करेगा कि इसके डिसोसिएशन को क्या कर देगा, कम कर देगा, डिसोसिएशन को कम कर देगा। तो यही था कॉमन आयन इफेक्ट। अब कम कैसे करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो आप लोगों को ये पता है केमिकल इक्विलिब्रिया के अंदर आप लोगों को अगर थोड़ा सा ये बात मालूम है कि लीची टेलियर प्रिंसिपल जो एलसी प्रिंसिपल होता है, वो अगर हम प्रोडक्ट की तरफ कुछ बढ़ाते हैं कॉन्सेंट्रेशन, तो रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन अगर हम प्रोडक्ट की तरफ बढ़ाएंगे तो रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड, रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड, मतलब हमने यहाँ पे एच प्लस एड किया तो रिएक्शन हमारी किधर जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो इसको डिसोसिएट होने से रोकेगी। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता तो क्या होता कि लगातार ये ब्रेक होता जाता, ये ब्रेक होता जाता, ब्रेक होता जाता, इट मीन्स कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है और ये लगातार ये ब्रेक होता चला जा रहा है। लेकिन जब हम कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं तो इधर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की तरफ एक्सेस बढ़ रहा है। जब प्रोडक्ट की तरफ एक्सेस बढ़ेगा तो रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके क्या करेगा भाई, इसके डिग्री या डिसोसिएशन को कम कर देगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल है, एलसी प्रिंसिपल है, लिख लीजिएगा एलसी प्रिंसिपल पे काम करता है, लीची टेलियर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसकी फंक्शनिंग ये है। अब ये रिएक्शन किधर जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन, और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो इसको टूटने से और रोकेगा। एक तो पहले ही बेचारा बहुत कम टूटता था ना, और दूसरे और क्या होने लगेगा, कम टूटेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं एक स्टेटमेंट के हिसाब से मैं ये बोलूं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं अगर उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया जाएगा तो वो क्या करेगा कि, और ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसका एक आयन कॉमन होना चाहिए, तो क्या करेगा उसके डिग्री या डिसोसिएशन को कम कर देता है। और कैसे कम करता है, वो इस साइड में आपने जोड़ा यहाँ पे ये आयन, ये आयन इधर एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हुई तो ये क्या हुआ, बैक फ्लो करके रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेकर गया और इसको टूटने से और कम, पहले तो कम ही टूटा था और भी कम ये क्या हुआ, डिसोसिएट होने लगा कॉमन आयन इफेक्ट से। सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं अभी आपके बोर्ड पे यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, वो बात ये है कि क्या बात ये है कि जैसे मैं ये कह दूँ, ध्यान दीजिएगा CH3CO H+HCl है, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है भाई, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसको इसमें ऐड किया गया है, तो क्या ये कॉमन आयन इफेक्ट लगा रहा है। तो अभी मैंने बोला कि भाई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक आयन कॉमन होना चाहिए तो आपका लगाएगा। तो आपने देखा कि एक वीक है, एक स्ट्रॉन्ग है, और इसका एक आयन ये और इसका एक आयन ये हाइड्रोजन, ये दोनों कॉमन है, इट मीन्स कि ये सारे की सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना। एक टर्म और आपको यूज करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, वो टर्म ये है कि कंपरेबल कॉन्सेंट्रेशन भी होना चाहिए, कंपरेबल कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। इस मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए 0.1 मोलर का एस्टिक एसिड ले लिया आपने, 0.1 मोलर का एस्टिक एसिड ले लिया, और यहाँ पे आपने HCl को ले लिया 10^-6 मोलर का ले लिया, ऐसा कुछ 10^6 मोलर का HCl ले लिया। अब 10^6 मोलर का HCl के मतलब कि HCl बहुत ही वीक हो चुका है, ये बहुत ही वीक, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ये वाली बात अगर आप कहोगे तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन घटती है, यहाँ पे देखिए ना कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई है,
टेन टू पावर माइनस सिक्स, तब ये कैसा बिहेव करने लगता है? तब वीक के तरह बिहेव करता है। कैसा? वीक की तरह बिहेव करता है। ठीक है भाई, वीक के तरीके से ये काम करेगा। अब ये देखिए, ये 0.1 मोलर और ये 10 पावर माइनस 6 मोलर। अब सारी कंडीशन सेम थी, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन में काफी वेरिएशन दिख रहा है आपको। कॉन्सेंट्रेशन में इट मीन्स कि अगर मैं ऐसे कहूँ कि मान लो मैं वीक हूँ, मैं गरीब हूँ और आप अमीर हो, लेकिन आपकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, आप कहने को बस अमीर रह गए हो, अगर आप आओगे मुझे दबाने के लिए तो भाई मैं उल्टा तुम्हें ही मार के भगा दूंगा वहां से। अगर किसी को दबाने जा रहे हो, किसी को मारने जा रहे हो, तो भाई इतना पावर होना चाहिए तुम्हारे में कि कर सको। अब एक तो खुद ही 10^-1 है, तुम 10^-6 हो, कितना ज्यादा गैप का डिफरेंस है, उल्टा हाथ खा के वापस चले जाओगे। तो आपको एक एग्जैक्ट वर्ड बोलना पड़ेगा कॉमन आयन इफेक्ट के लिए। ये अपने कॉपी में नोट करिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, इस कॉपी में नोट करिएगा, पोज कर करके लिख लीजिएगा कि ऐसा वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसका कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो, जो टूट रहा हो हल्का फुल्का, उसमें मैं कुछ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूंगा जिसका एक आयन कॉमन होगा और कॉन्सेंट्रेशन कंपरेबल होगी। ऐसे केस में क्या होगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन कम हो जाएगी। इस इफेक्ट को कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा भाई अपने कॉपी के अंदर। यहां पे इस चीज को मैं आपको लिख देता हूं भाई आपके कॉपी पे, आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जैसे भी आए। ये बहुत अहम और इम्पोर्टेंट बात है, कॉमन आयन इफेक्ट। नोट कर लीजिएगा कॉपी में, बहुत ही पूरे के पूरे आपके आयनिक इक्विलिब्रियम में घूमेगा ये। मैं बिल्कुल हिंदी में लिख दे रहा हूँ, आराम से समझ में आ जाएगा आपको, सभी लोगों को। ऐसा वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, जिसका कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो, जिसका कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो, मतलब कुछ ना कुछ अल्फा की वैल्यू, कुछ ना कुछ तो टूटता हो ना, ऐसा हो, ऐसा ना हो कि बैठा के बैठा रहे टूट ही नहीं रहा, डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है। जब डिसोसिएट नहीं होगा तो आपके प्रोडक्ट की तरफ जाएगा नहीं, तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा कैसे? तो कुछ ना कुछ क्या हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं जिसका एक आयन कॉमन और कंपरेबल कॉन्सेंट्रेशन होता है, यह वीक इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम कर देता है, डिसोसिएशन कम कर देता है। इस इफेक्ट को कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। इतना विधिवत तरीके से ये बात अगर आपके जहन में घुस गई, आप ही मत सोचना कि डेरिवेशन ऐसे लिखवाएंगे भाई, ये जरूरी बात थी इसलिए मैं लिख दिया, बाकी का मैं ऐसे ही चलूंगा रैंडम। ये बार बार इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि पूरे के पूरे आपके आने के इक्विलिब्रियम में ये आपका दिमाग खराब करने वाली चीज है। ऐसा कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो, ये बोलना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे पड़े जो टूटते ही नहीं है,
तो आप कुछ ना कुछ तोड़ोगे, ऐसे होने चाहिए, और उसमें आप कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हो जिसका कुछ ना एक आयन क्या हो, कॉमन हो, और कंपरेबल कॉन्सेंट्रेशन, ये वाला वर्ड बोलना बहुत जरूरी है कि कॉन्सेंट्रेशन का कंपरेबल होना बहुत जरूरी है। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन कंपरेबल नहीं होगा तो वो कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगा। ये जाहिर सी बात है यार, कि जैसे मान लो मैं वीक हूं और मेरे ऊपर स्ट्रांग वाले, जैसे मान लो कि मैंने किसी से उधार पैसे ले रखे हैं, ठीक है, या कोई मुझे साहूकार गांव में होते हैं, वो ब्याज पे इंटरेस्ट पे पैसे दे देते हैं, गरीबों में बांट देते हैं, फिर उनसे इंटरेस्ट लेते रहते हैं, मारते भी हैं, उनको सताते भी हैं, लेते रहते हैं, और वो मजबूत हैं इसलिए दबा दे रहे हैं ना, मजबूत हैं इसलिए उनको दबा दे रहे हैं, और वो सारा काम कर रहे हैं। अगर मैं इस कंडीशन में हूँ कि मैं उनसे ही अव्वल हूँ, उनसे थोड़ा सा मैं अप हूँ, तो आएंगे मेरे पास में तो बड़े तसल्ली से बैठेंगे और चले जाएंगे, वो जो चीज करना है उनको वो नहीं करेंगे, नॉर्मली से आएंगे और चले जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरे से अब स्ट्रांग है। तो जब स्ट्रांग कब दबाएगा, जब वो इस वाले से स्ट्रांग होगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी या फिर कंपरेबल होगी, दबाने लायक होगा, तब पता चले कि 10^-6 मोलर का है और मैं 10^-1 मोलर का हूँ, आओगे मेरे पास मैं ऐसे ही उल्टा हाथ मार के भगा दूंगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, जिसे आप जब भी पीएच निकालते हो, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन निकालते हो, तो क्या होता है, एच प्लस सोल्यूशन होता है। जो आप लिखते हो भाई लोग, आप ये लिखते हो कि पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस, जो लिखते हो ये जो एच प्लस होता है ये सोल्यूशन का होता है, किसका होता है, सोल्यूशन का होता है, सोल्यूशन का एच प्लस होता है। और सोल्यूशन के अंदर मान लीजिए मैंने एस सी एल लिखा हुआ है, एस सी एल 0.1 मोलर एस सी एल लिख दिया है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 0.1 मोलर एस सी एल लिखा हुआ है, इट मीन्स कि क्या होगा इसका मतलब जो एच प्लस सोल्यूशन है, ये हमारा एच प्लस सोल्यूशन है, वो आपका क्या है, एच प्लस एस सी एल प्लस एच प्लस वाटर, एच प्लस वाटर भी है इसके अंदर। बोलो भाई, पानी को कहाँ भूल रहे हो, पानी में भी तो एच प्लस है ना, पानी तो साथ साथ चलेगा, सोल्यूशन बोल रहे हो तो पानी तो है भाई, लेकिन क्या होता है कि ये इसकी हमने ले रखा है 0.-1 और ये होता है 10^-7, तो इसके कंपरेबल में ये वाली चीज क्या होती है, नेगलेक्ट रहती है। इसीलिए हम फिर डायरेक्ट क्या लिखते हैं, कि डायरेक्ट ये लिखते हैं कि एच प्लस सोल्यूशन हम ये लिखते हैं 10^-1, और पानी के एच प्लस को हम नेगलेक्ट करके चलते हैं भाई। ये पूरे के पूरे हम आयनिक इक्विलिब्रिया के अंदर पानी को इग्नोर करते जाते हैं पानी को, लेकिन पानी का एक वक्त आएगा जब जब आपकी यही कॉन्सेंट्रेशन जो 10^-1 है, यही आपके इसके इर्द गिर्द आ जाएगी। मान लीजिए 10^-6, 10^-7, 10^-8 इसके आसपास आ जाएगी, तो भाई सोल्यूशन को वहां से, इस सोल्यूशन में से पानी को रिमूव नहीं कर सकते, लेकर चलना पड़ेगा आपको। वहीं पे क्या करेगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगाना शुरू कर देगा, यही चीज आपको मिलेगी, यही आपके पेपर में पूछा गया है, यही आपके पेपर में पूछा गया है भाई, ठीक है। लिख ही देता हूं मैं क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे, सवाल ये था कि 0, 10^-7 मोलर एस सी एल का पीएच, बस यही क्वेश्चन है भाई। पहला ही ऑप्शन में 7 दे रखा था, दूसरे ऑप्शन में 6.89 समथिंग, तीसरा ऑप्शन 7.04, और चौथा ऑप्शन आपका कुछ समथिंग 7 पॉइंट कुछ भी, ऐसा ऑप्शन था भाई। ये आपका बेसिक सवाल है, आप तुरंत कर दोगे मुझे पता है, लेकिन इसके अंदर यही कॉन्सेप्ट है कि अब ये एस सी एल की जो कॉन्सेंट्रेशन है पानी के रेंज में आ गई है, और पानी 10^-7 ये भी होता है, और 10^-7 ये है, तो अब पानी को हटा नहीं सकते, पानी अब वहां पे कुछ ना कुछ अपना करामा दिखाएगा, तो इस पे हम जिक्र करेंगे। तो ओवरऑल हमारा क्या हुआ, डिफिनेशन आप लोगों को अगर समझ में आ गई तो भाई हम आगे बढ़े फिर। अगर आपको डिफिनेशन समझ में आ गई कि कॉमन आयन इफेक्ट आपका क्या होता है, ऐसा वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसका कुछ न कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं,
जिसका एक आयन कॉमन हो और कॉन्सेंट्रेशन कंपेरेबल हो तो वह वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ एसोसिएशन को कम कर देता है। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ले चेटेलियर प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेस हो जाता है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है और उसके डिग्री ऑफ एसोसिएशन को कम कर देता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी डिफिनेशन। अब आगे चलते हैं हम आपको लेकर इस इक्विलिब्रिया के टॉपिक को। थोड़ा सा आप लोग इस तरीके से देखिएगा भाई कि हो सकता है आपको बोरियत भी फील कराए, ठीक है। अब चलिए आगे चलते। अब मैंने तो ये बोल दिया कि डिसोसिएशन कम हो जाती है, लेकिन आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर कितना डिसोसिएशन कम हो गया। मतलब ये तो माइंड में सवाल आया होगा कितना डिसोसिएशन कम हो गया। तो कुछ मैं आपको इस तरीके के सवाल भी दूंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तब देखिए यहाँ पे अब एक्शन देख लेते हैं कि एक्शन देखते हैं इसका। एक्शन का मतलब ये है कि हम एक बार क्या करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे। पहले बात समझिएगा इस बात को बड़े अच्छे तरीके से, दिलचस्पी लगा के देखिए कि पहले मैं क्या करूंगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का नॉर्मल डिसोसिएशन निकालूंगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक। तो उसकी अल्फा की वैल्यू निकालूंगा पहले, फिर मैं क्या करूंगा उसी सोल्यूशन के अंदर मैं HCl या कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूंगा, फिर अल्फा की वैल्यू निकालूंगा, फिर दोनों अल्फा की वैल्यू को क्या करूंगा कंपेयर करूंगा। और हम लोगों ने ये बोला है कि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाती है। तो हम ये चेक करेंगे क्या वाकई में कम हो जाती है, और कम होती भी है तो कितना होता है। अब ये एक्शन की बात करेंगे तो हमने सपोज किया कि हमारे पास में एस्टिक एसिड है 0.1 मोलर का और ये टूटा माइनस प्लस एच प्लस। देखो बोर्ड पे मैं जो भी लिख दे रहा हूं सारा आपके कॉपी में होना चाहिए ए टू जेड, बाकी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर जिनको लग रहा होगा डिटो नोट्स आपके पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा इसी में एप्लीकेशन के अंदर ही, ठीक ना। बिल्कुल डिट्टो एकदम सिमिलर जो पढ़ाऊंगा सब उसके अंदर रहेगा, तो आप वहां से फोटो कॉपी भी करवा लेना, अदरवाइज अच्छा होगा कि अपने हाथ से बना लो। ये कह रहा है कि 0.1 मोलर का एस्टिक एसिड है भाई, ठीक है, जिसके लिए गिवेन वैल्यू है के ए की वैल्यू गिवेन है 10^-5। ये कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो हमने क्या बोला था अभी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले निकाल लो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो, फिर इसके अंदर आप ऐड करो कॉमन आयन इफेक्ट लगवाओ, फिर अल्फा निकालो, फिर दोनों अल्फा को कंपेयर करो, देखो क्या दिखता है। तो अब इसमें हमने क्या किया कि अल्फा निकाला, अल्फा आपको मालूम है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपने क्या लिखना है के ए बाई सी। तो के ए हमारा कितना दिया हुआ है 10^-5 और सी की वैल्यू 10^-1, तो हो जाएगा बाहर निकलेगा तो 10^-2। मतलब हमारा जो अल्फा आया है वो आया है 0.01। अब ये प्योर वीक एसिड है, क्या है प्योर वीक एसिड है। अब इसके अंदर अगर आप लोगों की परमिशन हो तो मैं कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दूं। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इसी के अंदर एस्टिक एसिड के अंदर मैंने क्या किया, ये इसके अंदर मैं क्या मिला दिया HCl मिला दिया, और HCl क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और H प्लस कॉमन भी है, तो मैंने इसके अंदर क्या कर दिया भाई यहाँ पे HCl मिला दिया 0.1 मोलर का ही, ठीक HCl मिला दिया। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये कम करेगा जाहिर सी बात है, लेकिन कितना कम करेगा हमें नहीं मालूम है, यही है ना। जब इसको मैं मिला दिया तो सपोज करिए कि सी रहा होगा, ये कुछ नहीं सी माइनस सी अल्फा, या फिर मैं ये कह लूं कि 0.1 मोलर था, ये कुछ नहीं रहा, ये कुछ नहीं 0.1 मोलर माइनस 0.1 मोलर अल्फा, यहाँ पे 0.1 मोलर अल्फा 0.1 मोलर अल्फा, यही है ना, यही था। अब इसके अंदर आपने क्या मिला दिया भाई, इसके अंदर क्या मिला दिया 0.1 मोलर का HCl ऐड कर दिया यहाँ पे 0.1 मोलर का
HCl ऐड कर दिया तो H यहाँ पे है जिसमें आपका 0.1 अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.1 अल्फा डैश लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि डिग्री ऑफ एसोसिएशन कुछ ना कुछ कम होना है। अल्फा प्लस 0.1, देखो भाई H प्लस जो है पहले 0.1 अल्फा था, फिर 0.1 और ऐड हुआ है तो 0.1 ऐड कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, H प्लस आ गया। ये क्या आ गया, H प्लस आ गया। ये बात बिल्कुल समझ में आई आपके, आपके दिमाग में बात गई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ऐड किया है, बस सिंपल सी बात है। अब ऐड कर दिया है यहाँ पे, देखिए ये 0.1, 0.1 अल्फा है ना, इस टर्म को देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहीं पे देख लीजिए, इस वाले टर्म को देखिए, 0.1 अल्फा जो है इसको मैं 0.1, और अल्फा की वैल्यू आपने क्या निकाला था, 10^-2, एक वैल्यू क्या है, 10^-3 है, ये वाली वैल्यू कितनी है, 10^-3, और ये वाली वैल्यू क्या है, 10^-1, ये वाली वैल्यू 0.1 अल्फा क्या है, 10^-3 प्लस 10^-1, तो इसके कंपेरेबल में ये वाली चीज तो कम है, नेगलेक्ट कर सकते हो 10^-1 और 10^-3, तो इसके कंपेरेबल में वाली वैल्यू ज्यादा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ इस जगह पे कि 0.1 अल्फा डैश, और यहाँ पे क्या हो गया, 0.1 अल्फा डैश, और यहाँ पे ओनली क्या होगा, 0.1 ओनली, इस वाले चीज को मैं क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, यहां से, यहां से निग्लेक्ट कर दिया, ये वाली चीज निग्लेक्ट हो गई, क्यों हो गई, देख लो 10^-3 वैल्यू है तो निग्लेक्ट कर दिया, तो ये वाली हट गई, तो ओनली क्या बचा, 0.1, तो मैंने यहाँ पे 0.1 लिख दिया है ना, 0.1, ये बात लिख दी भाई, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने यहाँ पे तुरंत के इक्वल टू क्या लिख दिया, के इक्वल टू प्रोडक्ट 0.1 अल्फा डैश इंटू 0.1 अपॉन में ये क्या हो जाएगा, 0.1 वन माइनस अल्फा डैश, 0.1 से 0.1 कैंसिल, देखो वन माइनस अल्फा जो है, वन माइनस अल्फा डैश इसको हम एक लिख ही सकते हैं क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पहले ही अल्फा क्या करता है, नेग्लेक्ट कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल लें तो और भी क्या होगा, कम हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि हमारा क्या हो रहा है कि जो अल्फा डैश है लेस लेस देन वन है, तो ये वाली चीज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं, वन माइनस अल्फा डैश इक्वल टू हम एक ले सकते हैं, तो हमारी जो वैल्यू आई आपके सामने वो क्या आई कि के ए इज इक्वल टू क्या आई भाई, अल्फा डैश इंटू 0.1, मतलब हमारी वैल्यू क्या हो गई, अल्फा डैश इक्वल टू के ए अपॉन में 0.1, ये आपका अल्फा डैश की वैल्यू आई। और अल्फा डैश क्या है, जब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया है, क्या मिलाया है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तब की आपकी ये अल्फा की वैल्यू है। अब आपने यहाँ पे देखना है भाई, अल्फा डैश हमारा क्या हो गया, के की वैल्यू 10^-5 दिया था और यहाँ पे 10^-1 है, तो अल्फा डैश की वैल्यू जो आ गई है 10^-4। और अभी आप लोगों ने यहाँ पे निकाला था अल्फा की वैल्यू 10^-2, मतलब ये क्या है, 10^-2 ही है ना, ये आपका प्योर वीक एसिड था तब, ये आपका प्योर वीक एसिड था जब, तो अल्फा की वैल्यू 10^-2 आई, अल्फा की वैल्यू 10^-2 आई, अल्फा की वैल्यू ना। और फिर इसमें आपने क्या कर दिया, HCl मिला दिया, HCl मिलाया जब, तो HCl मिलाने के बाद में अब आपकी वैल्यू क्या आई है, 10^-4। अब आप देख रहे हो, एक तो प्योर वीक इलेक्ट्रोलाइट था तो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस एग्जाम्पल के थ्रू, आप देखिए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करिए, प्योर वीक इलेक्ट्रोलाइट,
प्योर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या था हमारे पास में, एस्टिक एसिड था, कितना 0.1 मोलर का, ठीक है। तब इसका जो अल्फा की वैल्यू आई थी वो आई थी 10^-2, अल्फा की वैल्यू आई थी 10^-2। फिर आपने क्या किया, इसी सोल्यूशन के अंदर, इसी के अंदर आपने क्या किया, ऐड कर दिया HCl। मतलब ये आपका क्या है, HCl ऐड कर दिया तो कॉमन आयन लगाने लगा। जब कॉमन आयन लगाया तो यही अल्फा की वैल्यू आपने क्या देखा कि 10^-4 आ गई। अब मिला लीजिए भैया, 10^-2 पहले थी, अब 10^-4 बाद में हो गई। तो मैं ये कह सकता हूं कि 100 टाइम्स क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों के रिजल्ट को देख के कह सकता हूं कि 100 टाइम्स डिक्रीज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। भाई कमेंट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ ये पहले बताओ। तो मैंने क्या किया था, इसमें कुछ नहीं किया है, मैंने बस इतना किया कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट था, क्या था, वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसमें मैंने उसका पहले निकाला अल्फा, प्योर अल्फा निकाल दिया, जो वैल्यू आई निकल के 10^-2, और ये वाली वैल्यू निकल कर आई आपकी 10^-4 जब मैंने HCl मिला दिया। तो इससे हमें ये पता चला कि क्या हो गया, यहाँ पे आपका कम हो गया, ठीक। तो आपका निकल कर क्या आया, आपका निकल कर ये आया कि जो अल्फा है वो Ka/ कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, या फिर ऐसे लिख सकते हो भाई, एक छोटा सा डेरिवेशन ही करवा देता हूँ, आपके कॉपी में हमेशा रहेगा वो कॉपी में, डेरिवेशन कर लीजिए। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया CH3A- + H+, ये सपोज किया कि हमारा C1 था इनिशियल, ये हमारा C1 था, ये हमारा कुछ नहीं है, C1 - C1 अल्फा और ये C1 अल्फा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। C1 इसलिए कर दिया क्योंकि HCl अब ऐड होगा या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड होगा तो अपनी कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन लेकर आएगा, मान लीजिए C2 लेकर आएगा। तो मैंने क्या किया इसके अंदर कि एक C2 मिला दिया इसके अंदर, C2 का कोई HCl मिला दिया, सपोज करिए कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C2 है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे C1 - C1 अल्फा - C1 अल्फा - और ये क्या हो जाएगा C1 अल्फा - C2 हो जाएगा। तो अब ये C1 अल्फा - क्या कर सकते हैं, हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके कंपेरेबल में वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, तो ये वैल्यू वहां से हटा सकते हैं। अब हम आगे इसको बढ़ाएंगे, तो जब आगे बढ़ाएंगे तो मैं लिखूंगा यहाँ पे Ka = कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 अल्फा - C2 / C1 - अल्फा - C1 से C1 कैंसिल, 1 - अल्फा - की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, 1 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 1 - अल्फा - की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, 1, क्योंकि हम सपोज करके चल रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू बहुत ही कम है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो गया हमारा Ka = α - C2। तो मतलब जो अल्फा डैश है वो हमारा क्या है, Ka/C2। और ये देखिए ये C2 क्या है, ये C2 जो आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड किए हो जिसमें कॉमन आयन लगा है उस इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन है। C2 देखिए क्या है, आपने
ये इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया था ना HCl, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, वही कॉन्सेंट्रेशन आपकी यहाँ पे आई है, वही कॉन्सेंट्रेशन आपकी यहाँ पे आई है। इट मीन्स कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अल्फा डैश इज इक्वल टू के ए, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कॉमन आयन लगा रहा है। तो आपको डायरेक्ट अगर ऐसा ऐसा रहेगा तो आप डायरेक्ट इसको अल्फा डैश इज इक्वल टू के ए बाई सी टू लिख दोगे तुरंत, आपको कुछ करना नहीं है, फिर आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको डायरेक्टली अल्फा डैश इज इक्वल टू के ए बाई सी टू फाइंड आउट कर लोगे। अगर यहीं पे देखिए, अब आपसे इसी में पीएच भी पूछ ले कि पीएच बता दो, तो एक बात बताइए भाई, एक बात बताइए कि इस सोल्यूशन के अंदर एच प्लस कितना है, सी टू है ना, सी वन अल्फा डैश प्लस सी टू, और ये निगलेक्टिव हो चुका, तो ओनली क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस क्या है, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस क्या है, वो है सी वन अल्फा डैश प्लस सी टू, और ये वाली चीज तो नेगलेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये कम है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है आपका, एच प्लस सी टू है। इट मीन्स कि जो पीएच निकलेगा, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस लिखोगे, और एच प्लस की जगह पे आपकी क्या हो जाएगी वैल्यू, माइनस लॉग जो आपने सी टू लिखा है वही आपकी वैल्यू आपकी कॉन्सेंट्रेशन को बताएगी। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ दूं, अच्छा आप लोगों को पता नहीं, अब इसमें ये रहता है कि जैसे सामने स्टूडेंट रहता है तो फेस देख के हम पढ़ लेते हैं कि हाँ इनके दिमाग में जा रहा है या नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इजी से इजी वे में बताने का। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सवाल ये है कि 0.1 मोलर एस्टिक एसिड, ये है 0.1 मोलर एस्टिक एसिड का आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है या सोल्यूशन है, अब इसमें क्या कर लो, इसमें 0.1 मोलर HCl ऐड कर दो, ठीक है, एडेड 0.1 मोलर HCl, इसके अंदर आपने 0.1 मोलर HCl ऐड कर दिया, देन व्हाट विल बी पीएच ऑफ सॉल्यूशन एंड एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इस तरीके से आपके सवाल आ गए। मान लीजिए ये सवाल है आपके स्क्रीन पे कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें इसने कुछ ऐड कर दिया, 0.1 मोलर का ऐड कर दिया, तो उसका पीएच बताओ सॉल्यूशन का, एस्टिक एसिड है इसके अंदर ये ऐड कर दिया गया है, और व्हाट विल बी द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सिंपल सी बात है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया गया है और इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी कंपेरेबल है, तो ये क्या करेगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा, तो जाहिर सी बात है जब कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे भैया सोल्यूशन में, क्या लिखोगे यहाँ पे सोल्यूशन में क्या लिखोगे, कि जो अल्फा डैश आपका हो रहा है वो अल्फा डैश क्या निकल कर आ रहा है, के ए बाई सी टू, ध्यान है अभी अल्फा डैश क्या था, के ए बाई सी टू, यहाँ पे आपको के ए गिवेन होगा, मतलब आपके एग्जाम में आपको के ए गिवेन होगा, मान लीजिए 10^-4 -5 आपको के आपको दिया गया है, ठीक है, अभी अभी आपने फाइंड आउट किया कि अल्फा डैश इज इक्वल टू के बाई सी टू, सी टू क्या है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो है कॉन्सेंट्रेशन है भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर लीजिए, 10^-5 और 10^-1, तो वैल्यू आ गई 10^-4, ये आपकी आ गई अल्फा डैश। ये जो पूछा हुआ है कि आप बता दो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया आपका 10^-4, 10^-4, और पीएच आपका क्या था यहाँ पे, जो पीएच था
वो पीएच था माइनस लॉग सी टू, माइनस लॉग सी टू। तो यहां पे आपने क्या कर दिया कि माइनस लॉग सी टू की वैल्यू 10^-1, तो आपकी यहाँ पे पीएच क्या आ गई भाई, 1। पीएच आ गई 1। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल एकदम साफ और क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा समराइज कर दें, थोड़ा सा समराइज कर दें इस चीज को। प्योर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, प्योर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक, प्योर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और एक एक है आपका जब कॉमन आयन लग रहा है, कॉमन आयन जब लग रहा है आपका, एक जिसमें कॉमन आयन लग रहा है, तो प्योर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो जो अल्फा की वैल्यू होगी वो होगी रूट की के ए बाई सी। देखो ये एसिड के लिए लिख दिया हूं मैं, एसिड के लिए के ए बाई सी लिख दिया, और आपका पी एच में लिख दिया यहाँ पे 1/2 पी के ए माइनस लॉग सी। आप बेस के लिए भी लिख सकते हो, ये मान लीजिए एसिड के लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो एसिड बेस दोनों हो सकता है ना, और ये मैं यहाँ पे बेस के लिए अगर कर दूंगा तो यही अल्फा हमारा क्या हो जाता है, के बी बाई सी हो जाता है, और यहाँ पे पी के बी हो जाएगा 1/2 पी के बी माइनस लॉग, यहाँ पे पी एच नहीं होता, यहाँ पे पी ओ एच होता, ठीक। जब आपका प्योर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, प्योर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अब कॉमन आयन लग रहा है, मतलब इसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कुछ ऐड कर दिया कि समथिंग दिस एडेड इन दिस सोल्यूशन, मतलब मान लो 0.1 मोलर का H2SO4 ऐड कर दिया गया है, तब क्या होगा, तब उस केस में क्या है कि जो आपका अल्फा डैश है वो क्या है भाई, के ए बाई जो कॉमन आयन लग रहा है, लगा रहा है कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन, या फिर मैं लिख लूं कि अल्फा डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, के ए बाई सी टू, के बाई सी टू, और पी एच हमारा क्या हो जाएगा, माइनस लॉग सी टू। कोई दिक्कत है भाई, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है ना, तो ओवरऑल आपकी ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब ये आपका जो कॉमन आयन इफेक्ट के जो समराइज का फॉर्म है ये यही वाला है आपका, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपका एसिड होगा अल्फा रूट के बाई सी, पी एच 1/2 पी के ए माइनस लॉग सी, ठीक है, और बेस के लिए वही पी के बी लिख देना है, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो ये वाली चीज यहाँ पे सी टू लॉग सी टू। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो आप ऐड कर रहे हैं वो कॉन्सेंट्रेशन हमारी ऐड होनी चाहिए। चलो अब अगले लेक्चर में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल के साथ में इसको और क्लियर करूंगा, उसके बाद में आगे बढ़ाऊंगा लेकर, तो आप बिल्कुल एक एक चीज नोट कर लो अपने कॉपी के अंदर, ठीक है, एक एक बात इसके स्क्रीन के अंदर जो भी मैंने लिखा, और फिर नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, तो प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।